एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद, रमज़ान, सब कुछ होने के बाद ऐसा होता है ना कि कुछ सिंपल सा खाना है, इसलिए आज हम बनाने वाले कढ़ी। कोरमा कढ़ी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी की रेसिपी। अम्मी जब हमारे बचपन में कढ़ी बनाते थे ना, तो हम कटोरी भर भर के पी जाते थे। ये वही वाली कढ़ी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। कढ़ी बनाने के लिए हमें दही की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने घर का जमा हुआ दही ली हूँ। कोई भी दही का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। थोड़ा सा खट्टा रहेगा तो कढ़ी और ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच भर के दही ली हूँ। आपको जितनी कढ़ी बनाना है उस हिसाब से आप दही ले सकते हो। दही को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैंने एक हरा मसाला पीसी हूँ, जिसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से जितना आप तीखा खाते हो, और 1/2 चम्मच जीरा डाल के अच्छे से बारीक पीसना है। मसाला क्योंकि कम है इसलिए बारीक नहीं पीसा गया, आप ट्राई करना, अगर बारीक पीस जाए तो अच्छा है। उसके बाद एक छन्नी लेके अच्छे से मसाले को हम छान लेंगे। थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे ताकि जो भी इसका टेस्ट वगैरह अच्छे से कढ़ी में आ जाए। मसाले को छान के बनाने से कढ़ी जो है ना एकदम स्मूथ बनती है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह, कोई भी ऐसा मसाले का ज़रा भी ज़र्रात वगैरह नहीं रहते हैं। उसके बाद इसमें हमें बेसन ऐड करना है। 1/2 चम्मच मैंने बेसन ऐड की हूँ। 3 चम्मच दही है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच बेसन ऐड की हूँ। बेसन बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना, बहुत कम भी नहीं ऐड करना। ज़्यादा ऐड कर दोगे तो बेसन लगेगा, कम ऐड करोगे तो कढ़ी एकदम पतली बनेगी। ऐड करने के बाद इसे हमें फिर से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि बेसन में लम्स पड़ जाते हैं, तो ध्यान देना लम्स बिल्कुल ना पड़े। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। 1 गिलास पहले मैंने इसमें पानी ऐड किया, उसके बाद इसे हम हला लेंगे, मिला के देख लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमको कढ़ी की ऐसी चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने 1/2 गिलास पानी और ऐड। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, क्योंकि कढ़ी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना होता है, तो जो बेसन है वो थिक हो जाएगा, तो पानी इस हिसाब से आपको रखना है। कढ़ी को हमें पकाना है, जिसके लिए इसे मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी। तब तक हम अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन ले ली हूँ, 1 प्याज, नॉर्मल जैसे हम पकोड़े बनाते हैं, 1 प्याज को स्लाइसेस करके ऐड की हूँ। ये वही वाला मसाला है जो हमने कढ़ी में ऐड किए थे, उसे वेस्ट ना करके हम पकोड़ों में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने और ऐड की हूँ तीखे करने के लिए, आप आपके हिसाब से तीखा रखना। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे नॉर्मली हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकोड़े का बैटर कर लेंगे रेडी। कढ़ी के लिए जो पकोड़े बनाए जाते हैं वो क्रिस्पी नहीं होते, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए जो पकोड़े का बैटर बनेगा, थोड़ा सा पानी इसमें हल्का सा ज़्यादा जाएगा, इससे हमारे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे। इधर हमारी कढ़ी भी अच्छे से ऑट रही है, इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि उबले ना। लो फ्लेम पे इसे पकाना है और बीच बीच में चलाते जाना है। कम से कम इसे मैंने 20 मिनट पकाई हूँ, 20 से 25 मिनट। अगर आपकी कढ़ी ज़्यादा है तो इसे आपको इससे भी ज़्यादा पकाना है। इधर हमारी कढ़ी पक रही है, तब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या 1 प्याज ली हूँ छोटी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई, अखा धनिया और 1/2 चम्मच जीरा। सारी चीज़ें ऐड करें, कुछ भी स्किप नहीं करना है। कढ़ी को ऑटे ऑटे यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो हम उतार के साइड में रख लेंगे, कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ऐसी कढ़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ मैंने पैन रख दी पकोड़े को फ्राई करने के लिए। नॉर्मल जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं वैसे ही करना है, बस कढ़ी के जो पकोड़े होते थोड़े से छोटे होते हैं। मैंने पहला वाला जो बैच ऐड की थी वो थोड़े से पकोड़े मेरे बड़े साइज़ के हो गए जल्दबाजी में। अब मैं दूसरा बैच जो मैंने ऐड की हूँ ना, उसमें थोड़े से मैंने छोटे पकोड़े रखे, क्योंकि छोटे छोटे पकोड़े रहेंगे तो अच्छे लगते हैं कढ़ी में, बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं। ये पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कढ़ी थोड़ी सी गर्म रहेगी ना, तभी पकोड़ों को ऐड करना है, ताकि जो पकोड़े कढ़ी को थोड़ी सी अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, पी लेंगे ना, तो उससे हमारे पकोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपकी कढ़ी ठंडी हो गई है तो आप इसे पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद पकोड़े ऐड करें। सारे पकोड़े ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब हमें इसे तड़का लगाना है। कढ़ी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड की हूँ, और जो हमने प्याज कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से गोल्डन करना है। यहाँ मैं प्याज फुल पे रख के बर्तन धोने खड़े हो गई थी, अगर कुछ सेकंड लेट करती तो प्याज को फेंकना पड़ता। उसके बाद जो हमने निकाला था सारे मसाले ऐड कर देंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दी, साथ में हरा धनिया भी ऐड कर दी। इस तरीके से हरे धनिया को फ्राई करके डालो ना, तो कढ़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब कढ़ी में इसे ऐड कर देंगे गर्मा गर्म। थोड़ी सी कढ़ी पैन में डाल के निकाल लेंगे, ताकि तड़के का जो भी मसाला है वो ऑयल है वेस्ट ना हो, और ये हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी कढ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देखिए कढ़ी कितनी अच्छी बनके रेडी हुई, ना ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो इसी तरीके की आपको कढ़ी बनाना है। इसे आप चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे फिर रोटी के साथ खाएं, दोनों इस साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन करिए कढ़ी इतनी ज़्यादा मज़े की होती है ना, कि अगर आपने किसी को बना के खिलाया तो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें, मेरी अम्मी की स्पेशल कढ़ी है।
कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी कड़ी कैसी बनी, और अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।